जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी पर जमकर बरसे। गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए आजाद ने जम्मू कश्मीर में रैली के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा। आजाद ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस कंप्यूटर ट्यूटर से नहीं बल्कि खून पसीने से है। आजाद ने साफ कहा कि कांग्रेस हम लोगों ने बनाई है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पार्टी का नाम और झंडा तय करेंगे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान के लिए निशाने पर आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूध, आटा, गैस सिलेंडर, सरसों के तेल और पेट्रोल डीजल की कीमत कई गुना बढ़ गई। इस दौरान आटा को लेकर उनकी जुबान ऐसी फिसली कि वो जमकर ट्रोल हो गए। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल राहुल गांधी आटे के कुछ साल पुराने दाम और आज के दाम की तुलना कर रहे थे। ठीक इसी दौरान उन्होंने किलो के बजाय लीटर बोल दिया। उन्होंने कहा कि पहले आटा 22 रुपए लीटर था और आज 40 रुपए लीटर में बिक रहा है। राहुल गांधी का ये लीटर वाला वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की। इस मौके पर कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेता रामलीला मैदान में पहुंचे थे। इस रैली में एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। हालांकि राहुल गांधी अपने बयान के लिए एक बार फिर ट्रोल हो गए। बहरहाल राहुल गांधी पहले से ही गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के निशाने पर रहे हैं। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने भरी सभा में कांग्रेसियों की बेइज्जती करा दी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।